गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन, थैंक डियर चिल्ड्रेन, वेलकम टू आरपीएस ऑनलाइन क्लासेस डियर चिल्ड्रेन। प्यारे बच्चों, अभी हम लोग स्टैंडर्ड का हिंदी व्याकरण चैप्टर 12 एक्सप्लेनेशन करेंगे। चैप्टर का नाम ही है सर्वनाम। सर्वनाम शब्दों का अर्थ ही होता है सबका नाम। सर्वनाम शब्द का क्या अर्थ होता है? सबका नाम। तो प्यारे बच्चों, प्रीवियस क्लासेज में हम लोग सर्वनाम सर्वनाम के भेदों का एक्सप्रेशन किया था। अभी हम लोग सर्वनाम के कुछ भेद बचे हैं, उसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। मैं आशा है कि आप लोग प्रीवियस क्लासेज का फेयर की कॉपी डन कर लिए होंगे। तो प्रीवियस क्लासेज में भी हम लोग निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक सर्वनाम के बारे में अध्ययन किया था। अभी अब हम लोग संबंधवाचक, प्रीवियस में प्रश्नवाचक तक ही किए हुए हैं, अभी हम लोग संबंधवाचक के सर्वनाम का एक्सप्लेनेशन करेंगे। संबंधवाचक सर्वनाम, प्यारे बच्चों, की जो सर्वनाम शब्द वाक्य में प्रयुक्त अन्य सर्वनाम शब्दों से संबंध होने का बोध कराए, अन्य सर्वनाम शब्दों से संबंध होने का बोध कराए, वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस। भी जानते हो कि जिसमें शक्ति होता है वह अपनी ओर किसी भी वस्तु को आकर्षित कर लेता है, खींच लेता है। जिसमें शक्ति होता है वे दूसरे से अपनी सामग्रियों को ले लेता है। तो जैसी करनी वैसी भरनी, राजन जैसा करोगे वैसा पाओगे। कोई भी कर्मण्य वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, हे राजन आप केवल कर्म करने के भागीदार हो, फल की चेष्टा मत करो। जैसे कर्म करोगे वैसे फल की प्राप्ति होगा। तो जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा करोगे वैसा जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा, जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा। श्रम एव जयते, श्रम की पूजा होती है। तो जैसा मेहनत करेंगे, जैसा परिश्रम करेंगे, वैसा ही अंक की प्राप्ति हो सकेगा, वैसा ही अंक प्राप्त करने का आशा भी कर सकते हो। इसलिए लगन पूर्वक, लगनशील रहें, काम करते रहें, तो ये संबंध दर्शा रहा है। नेक्स्ट पढ़ेंगे निजवाचक सर्वनाम। निज यानी जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता स्वयं यानी निजत्व का बोध कराने के लिए हो, वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं अपना काम स्वयं करूंगा, स्वयं करता हूं। सभी व्यक्ति को अपना काम स्वयं करो, आज का काम अभी करो। टुडेज वर्क इज टिल टाइम कम्प्लीटेड, तो आज का काम अभी कर लो। हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए, किसी पर आश्रित तो करके नहीं रहना चाहिए। वह अपने आप चला जाएगा, कुछ करने की बात नहीं है, स्वयं चला जाएगा। सभी अपने अपने घर चले गए, जितने भी थे वे सभी अपने अपने घर चले गए। तो प्यारे बच्चों, इस चैप्टर में जो सर्वनाम सर्वनाम के भेद हैं उन सभी का एक्सप्लेनेशन हो गया। अभी अब हम लोग होमवर्क में चलेंगे, फेयर एकदम कंप्लीट करते चलेंगे। फेयर कॉपी में होमवर्क में लिखेंगे प्यारे बच्चों, प्रश्न देंगे निश्चयवाचक और अनिश्चय वाचक सर्वनाम में अंतर स्पष्ट करें। सुंदर स्वर्ण अक्षरों में इसे लिखते चलेंगे प्यारे बच्चों। सेकंड देंगे संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, उदाहरण लिखें।
उदाहरण लिखें। और शेष डू फेयर चैप्टर 12 एंड लर्निंग, जितने भी इस चैप्टर में प्रश्नोत्तर होंगे उन सभी को सुंदर स्वर्ण अक्षरों में लिखेंगे, और जिस दिन वीडियो जाए उस दिन आप संध्या 7 से 8 के बीच में फेयर की कॉपी का स्नैप कर आप अपने ग्रुप में डाल दे। डियर चिल्ड्रेन, थैंक्स प्यारे बच्चों, बाय।